हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं हम सिल्वर जोन ओलंपियाड से कंप्यूटर ओलंपियाड क्लास सेकंड के फ्लेवर्स एंड सैंपल पेपर देखेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पेपर आते हैं। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके सिलेबस क्या है। क्लास सेकेंड के जो जनरल किसी भी बोर्ड से अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है उस बोर्ड के जो सिलेबस रहते हैं ऑलमोस्ट वही सिलेबस ओलंपियाड एग्जाम में रहते हैं। और ऑलमोस्ट आप यह भी मान लीजिए कि ऑलमोस्ट सभी ओलंपियाड में सेम सिलेबस ही रहते हैं, बस उनके पूछने का तरीका जनरल बोर्ड एग्जामिनेशन से डिफरेंट हो जाता है। थोड़ा क्वेश्चंस को घुमाकर टिकी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम सिलेबस देखेंगे। कंप्यूटर के सिलेबस हो जाते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, की बोर्ड एंड माउस यूजेस, यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन आवर वर्ल्ड, नोट पैड, MS Paint, WordPad एंड रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। साथ ही स्कॉलर जोन जो कि अदर ओलंपियाड में अचीवर सेक्शंस के नाम से जाने जाते हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें आपका सिलेबस से ही क्वेश्चंस रहता है लेकिन थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस रहते हैं। क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर हम देख लेंगे। इसमें करीब टोटल क्वेश्चन 25 रहते हैं, टोटल मार्क्स 100 के रहते हैं। ऑल स्टूडेंट क्लास फर्स्ट से ट्वेल्थ तक के सभी बच्चे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिल्वर ओलंपियाड पे ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है। अगर आपको नहीं पता है कि सिल्वर ओलंपियाड एग्जाम कब होते हैं, क्या होते हैं, कौन कौन बच्चे इसे दे सकते हैं, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप एक बार अवश्य चेकआउट करें। अब यहाँ पर हम कंप्यूटर ओलंपियाड के बारे में बात कर रहे हैं जिसका लेवल वन, यहाँ पर लेवल वन के ही एग्ज़ाम होते हैं ऑल क्लासेस के लिए। कंप्यूटर एक ऐसा पेपर है जहाँ पर सिर्फ लेवल वन एक ही लेवल की एग्ज़ाम होती है, जबकि अदर सब्जेक्ट में लेवल वन लेवल टू होते हैं। और सिक्स से ट्वेल्थ तक में सिल्वर ओलंपियाड में लेवल थ्री तक एग्ज़ाम होते हैं। लेवल वन कंप्लीट करने के बाद लेवल टू में बच्चे जाते हैं, कुछ सेलेक्टेड बच्चे जाते हैं, फिर उसी प्रकार उसमें सेलेक्टेड होकर फिर नेक्स्ट लेवल थ्री में बच्चे जाते हैं। क्लास वाइज होती है, क्लास फर्स्ट से फिफ्थ तक लेवल वन एंड लेवल टू ऑल सब्जेक्ट्स के लिए होते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर्स की बात हो रही है, कंप्यूटर्स में सिर्फ लेवल वन एग्जाम ही होते हैं और टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए इसके आज हम सैंपल पेपर देख लेते हैं। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि एक्चुअल क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस रहते हैं और ड्यूरेशन 40 मिनट्स का रहता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन नंबर, इन कंप्यूटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस डैट ऑप्टिकली स्कैन इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट हैंड राइटिंग ऑन ऑब्जेक्ट एंड कन्वर्ट इन टू द डिजिटल इमेज। इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा आप इमेज को स्कैन कर सकते हैं, टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हैं, हैंड राइटिंग या ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं डिजिटल इमेज में? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, स्कैनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, गिवन बिलो द फिगर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर मैच देम करेक्टली विद द डिटेल गिवन ऑफ द अदर साइड। इधर इमेज दिए गए हैं और इधर स्टेटमेंट दिए गए हैं जिससे हमें मैच करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहला यह है हमारा मॉनिटर, मॉनिटर्स में हमारा ये हो जाता है डिस्प्ले द कमांड, सीपीयू वर्क लाइक अ ब्रेन, माउस रिसेम्बल विद द रियल माउस एंड कीबोर्ड यूज टू टाइप लेटर। तो इस प्रकार हमने इसको अरेंज कर दिया है और इसके ऑप्शन इसमें कौन से स्टेट होते हैं, तो ऑप्शन डी, वन का सी, टू का डी, इस प्रकार आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसको कि हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, ए कीबोर्ड, बी माउस, सी सीपीयू, डी मॉनिटर। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, माउस। माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉल्ड द कंप्यूटर ऑफ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, ए एल यू, बी मेमोरी, सी सीपीयू, डी कंट्रोल यूनिट। सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं।
तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सी डी रोम स्टैंड फॉर ए कॉम्पैक्ट डिस्क रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सी कॉमन डिस्क रीड ओनली मेमोरी एंड डी कॉम्पैक्ट डिस्क रैंडम एक्सेस मेमोरी। करेक्ट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1 क्लिकिंग द माउस इम्पायर क्लिकिंग लेफ्ट बटन ऑफ द माउस, 2 राइट क्लिक इम्पायर्स प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द राइट माउस बटन वंस, एंड 3 द राइट माउस बटन इज नेवर डबल क्लिक। ए ओनली वन करेक्ट, बी बोथ 2 एंड 3 करेक्ट, सी बोथ 1 एंड 2 आर 2 एंड डी ऑल ऑफ स्टेटमेंट ऑफ करेक्ट। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन डी ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द की यूज टू इंसर्ट लेटर लाइक ए बी सी आर कॉल्ड, जो की हम ए बी सी लिखने के लिए यूज करते हैं इंसर्ट करने के लिए, उसे क्या कहा जाता है। ए स्पेशल की, बी अल्फाबेट की, सी नेविगेशन की एंड डी फंक्शन की। करेक्ट आंसर है अल्फाबेट की। नंबर 8, विच फिगर फिट नेक्स्ट इन द सीक्वेंस गिवन बिलो क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि कुछ रीजनिंग टाइप्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी भी इसको कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सभी कंप्यूटर्स ओलंपियाड में, जितने भी ओलंपियाड करवाए जाते हैं कंप्यूटर्स में, उसमें ये रीजनिंग पार्ट ऐड रहते हैं। तो चलिए इसको हम समझेंगे। सबसे पहला इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन फिगर, इस दोनों में जो रिलेशन होगा वही नेक्स्ट दो फिगर में हमारा रिलेशन होगा। तो चलिए फर्स्ट में हम देख रहे हैं ये वाला डार्क ब्लैक जो है इस तरफ चेंज हो जाता है और इधर वाले ऑप्शंस जो है हट जाते हैं। इसी प्रकार इसमें भी क्या होगा कि हमारा जो है इधर वाला रह जाएगा और ये पॉइंट्स जो है इधर आ जाएंगे, ब्लैक जो हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए ब्लैक इधर शिफ्ट हो गया है और एक पॉइंट्स गायब हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर 9, फिल द एम्प्टी बॉक्स अबव द करेक्ट फिगर गिवन बिलो। ये तीन इमेज दिए गए हैं, थर्ड वाला ब्लैंक इसमें क्या आएगा यहाँ पर देखिए, स्लैश फिर स्ट्रेट फिर स्टैंडिंग लाइन, यहाँ पे हो गया स्ट्रेट लाइन, फिर बीच में फिर स्ट्रेट लाइन। इसी प्रकार यानी जो है फर्स्ट एंड लास्ट में एक जैसे इमेज आ रहे हैं। इसी प्रकार इसमें ये इमेज है तो लास्ट में हमारा इस तरह का इमेज इसको कंप्लीट करने के लिए होगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द कंप्यूटर माउस, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट कंप्यूटर माउस के लिए सही है। ए इट लुक लाइक अ रियल माउस, बी इट कैन रन एंड इट लाइक द रियल माउस, सी इट इज एन इनपुट डिवाइस एंड डी बोथ ऑफ ए एंड सी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बोथ ए इट लुक्स लाइक अ रियल माउस एंड सी इट इज एन इनपुट डिवाइस। माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर जिसमें दोनों ऑप्शन हमारा एड। तो ये थे आपके 10 साइबर ओलंपियाड से सैंपल पेपर। साइबर ओलंपियाड को यहाँ पर इंटरनेशनल सिल्वर जोन ओलंपियाड में इंटरनेशनल इंफॉर्मेटिक्स ओलंपियाड कहा जाता है। इंटरनेशनल इंफॉर्मेटिक्स कंप्यूटर्स की जगह यहाँ पर इंटरनेशनल इंफॉर्मेटिक्स ओलंपियाड इसको कहा गया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट साइंस पेपर का भी मैं क्लास 2 के लिए सैंपल पेपर लेकर आ रही हूँ, तो इसे देखना मत भूलें। थैंक यू।